तुम कभी खुश नहीं रहोगे अगर तुम खोजते रहोगे कि खुशी क्या है। यदि आप जीवन के अर्थ की तलाश में हैं, तो आप कभी नहीं जी पाएंगे। अंत में खुद को मारने से ज्यादा जीने के लिए साहस की जरूरत होती है। धन्य है वे दिल जो झुक सकते हैं, उन्हें कभी नहीं तोड़ा जा सकता। खुश रहने के लिए हमें दूसरों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। लोग न्याय करने में जल्दबाजी करते हैं ताकि सही न्याय ना हो सके। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता और मैं नास्तिक भी नहीं हूं। संघर्ष के बिना शायद ही कोई जुनून हो। जीवन के बारे में निराशा के बिना जीवन का प्यार नहीं है। आपको पता है दिल को छूने वाली बात क्या है। बिना स्पष्ट ढंग से कोई सवाल पूछे हाँ करा लेना। दुख के समय साथ दो। लोग खुद की आलोचना ना हो से बचने के लिए सच बोलने से घबराते हैं। खुश होने के लिए हमें दूसरों की चिंताएं ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्रांतिकारी क्या है? एक इंसान जो हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। आप अनुभव को सीख नहीं सकते। आपको इसके लिए हालातों से गुजरना पड़ता है। दिल से दिए गए आशीर्वाद में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। मैं सिर्फ एक कर्तव्य के बारे में जानता हूँ, और वो है प्रेम करना। आंसुओं की हद तक जियो। दुनिया को समझने के लिए समय समय पर इससे मुंह मोड़ना पड़ता है। मनुष्य हमेशा अपने सत्य का शिकार होता है। एक बार उसने उन्हें स्वीकार कर लिया तो वह स्वयं को उनसे मुक्त नहीं कर सकता। जिसे जीने का कारण कहा जाता है, वह भी मरने का एक उत्कृष्ट कारण है। स्वतंत्रता कुछ और नहीं बल्कि बेहतर होने का मौका है। दुनिया में जो बुराई है वह लगभग हमेशा अज्ञानता से आती है, और अच्छे इरादे उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि समझ की कमी होने पर द्वेष के रूप में। क्या आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है? और क्या तुम सच में इस सोच के साथ जीते हो कि जब तुम मरोगे तो तुम मरोगे और कुछ नहीं बचेगा? आलस्य केवल औसत दर्जे के लिए घातक है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप हर रोज करते हैं वह है खुद को ना मारने का फैसला करना। हमेशा एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने काम और कर्तव्य के प्रति समर्पण से थक जाता है, और सभी को एक प्यारा चेहरा, प्यार करने वाले दिल की गर्म जोशी और आश्चर्य की लालसा होती है। थोड़ी देर बाद आपको किसी भी चीज की आदत हो सकती है। शांति ही एकमात्र लड़ाई है जो लड़ने लायक है। सही होने की जरूरत अशिष्ट दिमाग की निशानी है। मुझे जीवन से प्यार है, यही मेरी असली कमजोरी है। मैं इसे इतना प्यार करता हूं कि मैं कल्पना करने में असमर्थ हूं कि जीवन क्या नहीं है। माँ कहती थी कि कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, उसके लिए आभारी होने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। और हर सुबह जब आकाश चमक उठा और मेरी कोठरी में रोशनी आने लगी, तो मैं उसके साथ सहमत हो गया। ईमानदारी को नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी रात में मैं तारों से टपकते आकाश के नीचे खुली आंखों से सो जाता था। मैं तब जीवित था। मेरा विश्वास करो, महान दुख, महान खेद, महान स्मृति जैसी कोई चीज नहीं है। सब कुछ भुला दिया जाता है, यहां तक कि एक महान प्रेम भी। व्याकुलता और अनकही बातों के कारण संसार में बहुत दुख आ गए हैं। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो सपने देखते हैं या आपस में बात करते हैं। मैं उन्हें पसंद करता हूं क्योंकि वे दोगुने हैं।
हम शायद ही कभी उन पर विश्वास करते हैं जो हमसे बेहतर हैं, बल्कि हम उनके समाज से भागने के लिए अधिक इच्छुक हैं। दूसरी ओर हम अक्सर उन लोगों को स्वीकार करते हैं जो हमारे जैसे हैं और जो हमारी कमजोरियों को साझा करते हैं। इसलिए हम खुद को सुधारना और बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं।